सवाल नंबर एक, दुनिया की सबसे महंगी बिकनी कौन सी है? दोस्तों दुनिया की सबसे महंगी बिकनी की कीमत 21 करोड़ रुपए है। दिए गए चित्र में इस लड़की का नाम कैंडी स्वेन पोले है और उन्होंने जो बिकनी पहनी है उसकी कीमत 21 करोड़ है। सवाल नंबर दो, कौन सा म्यूजियम पानी के अंदर बना है? दोस्तों पानी के अंदर बना मूसा म्यूजियम करीब 1600 वर्ग मीटर में फैला हुआ है, जहां हर साल करीब 7,50,000 से ज्यादा पर्यटक आते हैं। इस म्यूजियम के अंदर जाने के लिए दो तरीके हैं, एक कांच के तल वाली बोट से और दूसरा स्कूबा डाइविंग के जरिए। यहाँ रखी हुई मूर्ति का वजन करीब 120 टन से भी ज्यादा है। सवाल नंबर तीन, किस देश में लड़की की जगह कद्दू दिया जाता है? दोस्तों यूक्रेन में लड़की और उसके घर वाले जब लड़के के परिवार का शादी का प्रस्ताव ठुकरा देते हैं तो लड़के को एक कद्दू दिया जाता है ताकि वो लड़की वालों के घर से खाली हाथ न जाए। सवाल नंबर चार, दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी झोपड़ी कौन सी है? दोस्तों मार्गरेटा हट दुनिया की सबसे ऊंचाई में बनाई गई झोपड़ी है, जो 4,554 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पहुँचने के लिए 4-5 घंटे पैदल चलना पड़ता है और हर साल बहुत से कैंपिंग करने वाले लोग यहाँ जाते हैं। सवाल नंबर पाँच, किस महिला को फोटो खिंचवाने के लिए जेल हुई है? दोस्तों रूसी इन्फ्लुएंसर अलीना फेजेलिवा को फोटो खिंचवाने के लिए 6 साल की जेल की सजा हुई थी, क्योंकि उन्होंने बाली के एक मंदिर में 700 साल पुराने पवित्र पेड़ के बगल में नग्न होकर फोटो खिंचवाई थी। सवाल नंबर छः, ट्रेन में इतना शोर होने के बावजूद भी लोग सो कैसे जाते हैं? दोस्तों जब आप यात्रा कर रहे होते हैं तो आपका दिमाग बिल्कुल शांत अनुभव करता है। दूसरा कारण, यात्रा के दौरान तेज हवा लगने से भी अच्छी नींद आती है। जिस तरह एक शिशु को पालने में झूलते हुए तुरंत नींद आ जाती है, ठीक उसी तरह यात्रा के दौरान शरीर थोड़ा हिलता डुलता रहता है जिससे नींद आने लगती है। इस मुद्रा को रॉकिंग सेंसेशन कहा जाता है। सवाल नंबर सात, किस देश में पीले कपड़े पहनना बैन है? दोस्तों मलेशिया में पीले कपड़ा पहनना बैन है। इसकी वजह थी प्रधानमंत्री के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले समूह ने पीले रंग के कपड़े पहने थे, इसलिए साल 2015 से मलेशिया में पीले रंग के कपड़े पहनना बैन है। सवाल नंबर आठ, भारत का कौन सा परिवार सिर्फ लाल और सफ़ेद रंग की चीज़ें यूज़ करता है? दोस्तों बेंगलोर के सेवनराज और उनके परिवार वालों को लाल और सफ़ेद रंग का परिवार भी कहा जाता है। सेवनराज एक रियल इस्टेट एजेंट है, उनके घर के दरवाजे से लेकर कार, कपड़े, घर की सारी चीज़ें लाल और सफ़ेद रंग की है। सवाल नंबर नौ, दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला का खिताब किसने जीता है? दोस्तों पोलैंड की अनीता फ्लोरचेक ने एकमात्र ऐसी महिला है जिन्होंने दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला होने का खिताब 4 बार जीता है। उनका यह रिकॉर्ड गिनीज बुक में भी दर्ज है। सवाल नंबर 10, क्या किस करने से डीएनए चेंज होता है? दोस्तों जब एक व्यक्ति को कोई दूसरा व्यक्ति चुंबन करता है तो बलगम और बैक्टीरिया का आदान प्रदान होता है। इसके साथ ही सामने वाले व्यक्ति का डीएनए हमारे मुंह में रह जाता है और यह डीएनए 1 घंटे तक रहता है।